फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आपका भी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तो इसमें आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से स्क्रीन टाइम आउट है, जैसे कि 15 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपका टाइमिंग है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू से बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक बटन आपको बगल में दिख जाएगा, अंगूठे का निशान सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस डिस्प्ले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 15 सेकेंड से लेकर के आपको 30 मिनट तक मिलता है। तो जो भी आपको ड्यूरेशन आपको सेट करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि 10-15 सेकेंड में ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं 30 सेकेंड में ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाए तो इस पर क्लिक कीजिए। और जब इसी तरीके से, मतलब स्विच ऑफ नहीं होगा, बस स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप सेट करना चाहते हो कर सकते हैं इजीली। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। और मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 मिनट पे क्लिक कर दिया, अब ये सेट हो गया 5 मिनट के लिए। बाय बाय।